अब ये सिंबल्स में उन्होंने इतना ये मंत्रों की शक्तियां डाल दी। इन सिंबल्स को अभी जैसे लोग बहुत मेरे से पूछते भी हैं कि इतना है आप बोलते हो बहुत पावरफुल है, तो कितना पावरफुल है? तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, एक-एक मंत्रा में लाखों मंत्रा की शक्ति है, 12 सिंबल में 4.5 लाख मंत्रा की शक्ति है। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए एक मंत्रा में कितनी शक्ति होगी। आज हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र बोलते हैं और हमें एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है ना? हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हमें एनर्जेटिक फील होता है। ओम हनु हनुमंते नमः बोलते हैं, हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें लगता है हमारे डर खत्म हो गए, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, राइट? तो अब आप खुद सोचिए 4.5 लाख मंत्रों की शक्ति क्या क्या कर सकती है, राइट? तो मैं आपको अब बताती हूँ कि लामास की तो मैंने बता दिया, अब फेरा क्या होता है। फेरा इसकी एक टेक्निक है, जो सबसे पहले जो बॉडी होती है जिसके ऊपर हीलिंग की जाती है उसके आसपास 2.5 चक्कर लिया जाता है, उसको उस ऑरा में लेने के लिए जो भी हीलर है, जो लामा फेरा हीलर होते हैं, वो उसको अपने ऑरा में लेने के लिए 2.5 चक्कर लेते हैं उस बॉडी के आसपास और उसके सोल से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सोल पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, तभी तो आप दुखों से निजात पा सकते हैं ना। नहीं तो आज ये हो गया, आज वो हो गया, इससे रिलेशन खराब, ये करियर नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं, बट आपका सोल पर्पस तो जानिए कि आप आए क्यों हैं इस दुनिया में, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? तो अब क्या है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आप जब ये सीखते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर हम थोड़ा सा और लामा फेरा के बारे में बात करेंगे या फिर जिसको क्वेश्चंस है वो पूछेंगे इससे। अब आप सोचिए, जब आपका सोल रियलाइज हो गया, आपके सोल की प्योरिटी हो गई, तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो स्ट्रेस हम लेके बैठे होते हैं हर वक्त का, किसी ना किसी चीज का, डिप्रेशन होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, हमारी एंग्जाइटी है, हमारे डर है, या अगर कोई ईविल स्पिरिट्स भी है, नजर दोष होता है, वो भी निकल जाता है इससे, ठीक है? फिर आप जो प्रैक्टिसेस करते हैं, आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, बट एक एज के बाद ही हम उनको ये हीलिंग्स दे सकते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल होती है। अब कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है, देन आपके विल पावर, ये आपके सारे चक्रास पे काम करता है, आपके ऑरास पे काम करता है, आपकी जो क्लेंजिंग होती है वो कंप्लीट पैकेज है। तो ऑब्वियसली हर एक चक्रा के ऊपर जब आपका काम होगा, हर चक्रा किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी किसी ना किसी सोच को रिप्रेजेंट करता है, हमारी किसी ना किसी बीमारी को, हमारी अच्छाइयों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये वहां काम करता है तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है विल पावर, तो विल पावर कहाँ से आती है? आप में से कोई बता पाएगा मुझे कौन से चक्रा को बिलोंग करती है विल पावर? मैं दिखाऊंगी आपको, सब सब बताऊंगी इसमें, बट आई एम जस्ट फिर वो थोड़ा सा सोलर इंट्रोडक्शन प्लेक्सस, होगा, मैं ही बोले जा रही हूँ जब से। हाँ जी, सोलर ठीक है, क्या प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस। तो विल पावर अगर वो इंक्रीज कर रहा है आपकी, तो इट मींस इट इज वर्किंग ऑन योर सोलर प्लेक्सस, दैट इज मणिपुर चक्रा, राइट? तो इस तरह से वो चक्रास पे भी काम करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो आपके पास्ट इश्यूज होते हैं, पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, उनको भी बाहर निकाल देता है। एक्स्ट्रा इविल एंटिटीज जो आ जाती हैं, उनको भी निकालते हैं। तो लामा फेरा की जो सिंबल्स हैं, वो बहुत बहुत पावरफुल हैं। ये आपकी वास्तु हीलिंग में भी काम आते हैं, आपके जो स्पेस क्लीनिंग होती है उसमें भी काम आते हैं, आपको जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसिस हो, करियर हो, चाहे आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हो, यू नो कुछ लोगों को होती है एंग्जाइटी होती है, 4 जने आ गए तो एकदम घबरा जाते हैं, तो विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो घबराना अपने आप निकल जाएगा, राइट? तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया विल पावर का, इससे कंप्लीट और चक्र आपका क्लीन होता है, फ्रॉम योर क्राउन टू योर रूट एवरीथिंग गेट्स क्लियर डाउन, ठीक है? वास्तु हीलिंग से अनबैलेंस्ड एनर्जी जो है, चाहे आपके अंदर हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, ये ओवरऑल सब पे काम करता है, ठीक है? बीमारियों पे काम करता है। बट अगेन वन मोर थिंग टू बी नोटेड, जो आपकी जो कोर इश्यूज होते हैं, कोर इश्यूज रादर आई वोंट से कोर इश्यूज, बट ये बहुत जो ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, या ऐसी जो चीजें हैं
जो बहुत सेल्यूलर लेवल पे है और ये किसी अलग तरीके से आई हुई है, वो इनको क्योर नहीं करता है कंप्लीटली, बट हाँ आपको रिलीफ जरूर देता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि लामा फेरा से ये चीजें ठीक होती हैं, तो प्लीज मैं आपको अभी बता रही हूँ ये चीजें कंप्लीटली नहीं जाती है लामा फेरा से, उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो है कहाँ, आई एम सॉरी, या तो ये जो हमारी हीलिंग मोडेलिटी है, ये आपके डायरेक्ट रूट कॉज के जो रूट होता है वहां पर जाकर काम करती है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यहां तक आई होप सो एवरीवन इज क्लियर। यस मैम, यस मैम। तो चलिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया इसमें तीन स्टेजेस होती है लामा फेरा में। एक होती है हमारी जनरल हीलिंग, जो एक ओवरऑल हीलिंग होती है, या डेली बेसिस पर नहीं, ऑल्टरनेट डेज होती है, ये आप कर सकते हैं। फिर एक होती है मेंटल साइड पर, और एक होती है आपके फिजिकल साइड पर, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन स्टेजेस में ये हीलिंग को बांटा गया है। इसके दो लेवल्स है बेसिकली। लेवल वन में आप मास्टर हीलर बनते हैं, और सेकेंड में आप मास्टर टीचर बनते हैं, ठीक है। तीन फेजेस हैं इसके, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से है। फर्स्ट फेज में आपको 6 सिंबल्स सिखाए जाते हैं, सेकंड में आपको नेक्स्ट 6 सिंबल्स सिखाए जाते हैं, और थर्ड फेज में सिद्धिकरण और आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है। दिस इज द प्रोसेस, ओके।